स्वागत है आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार, आरोग्य जीवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया के इस वीडियो में आज हम रिव्यू करेंगे महर्षि बद्री द्वारा एक औषधि बनाई गई है। ये देखिए, ये है अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट एक सिरप है और ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। अभ्यारिष्ट के सेवन से शारीरिक बहुत सारे फायदे होते हैं। ये पेट के रोग जैसे कब्ज बवासीर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। ये इसके लिए सबसे उत्तम औषधि है। अभ्यारिष्ट बवासीर के इलाज के लिए पतंजलि द्वारा दी जाने वाली एक बहुत ही गुणकारी औषधि है और ये डाबर, महर्षि बद्री, पतंजलि सभी आयुर्वेदिक ब्रांड इसको बनाते हैं और ये एक शरीर के लिए चमत्कारी औषधि है। अभ्यारिष्ट को लेने से पाचन तंत्र सही होता है। अभ्यारिष्ट के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है, अभ्यारिष्ट आपको खाना खाने के बाद में लेनी है और इसको आप गर्म पानी में समान मात्रा में ले सकते हो। ये हर्बल दवा बहुत सी आयुर्वेदिक चीज़ों से मिलकर बनाई गई है। ये मुख्य रूप से पाचन समस्याओं जैसे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज और हेमोराइडेज के इलाज के लिए प्रयोग में की जाती है। ज़्यादातर इसका उपयोग पाचन समस्याओं को ठीक करने में किया जाता है और कब्ज के लिए तो ये रामबाण औषधि है। ये बवासीर को ठीक करती है, एनल फीसर को ठीक करती है, कब्ज को ठीक करती है और गैस और सूजन के लिए भी ये बहुत प्रभावी है। इसके अन्य उपयोग हैं, गाय के घी, बादाम का तेल और दूध मिलाएं और अभ्यारिष्ट लेने से 30 मिनट पहले से पिएं। ये 2 सप्ताह में आपकी कब्ज को ठीक कर देता है। गैस के लिए भोजन के बाद में अभ्यारिष्ट के सिर्फ 2 चम्मच गैस और सूजन को कम करता है। घी और दूध के साथ अभ्यारिष्ट लेने से मल ढीला हो जाता है और बवासीर में आराम मिलता है। दर्दनाक रक्त स्त्राव के मामले में लगाने वाली दवाओं में से उपयोगी है। अभ्यारिष्ट एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसका उपयोग स्वास्थ्य की विभिन्न बीमारियों और कुशल प्रभावी तरीके से इलाज करने के लिए किया जाता है। इस आयुर्वेदिक दवा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरण प्रकार हैं। गैस और कब्ज जैसी पाचन समस्याओं इलाज करने के बाद भोजन करने के बाद अभ्यारिष्ट को लेना चाहिए। पाचन समस्याओं के इलाज के रूप में इसके प्रभाव का अनुभव करने के लिए भोजन के बाद अभ्यारिष्ट लेने की सलाह दी जाती है। इसको पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। ये एक नेचुरल मेडिसिन है। अभ्यारिष्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप अभ्यारिष्ट का सेवन चिकित्सक की सलाह से लें। इस दवा को लेने से कुछ लोगों को दस्त हो सकते हैं, इसलिए आप चिकित्सक की देखरेख में इस दवा का उपयोग कीजिए और ये दवा आयुर्वेदिक जंक्शन और आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल सकती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आरोग्य जीवन ये कामना करता है सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। Thank you.